नमस्कार, मैं शुभम त्रिपाठी, आपका स्वागत है भारत एक नई सोच में। देश 75वां अमृत महोत्सव मना रहा है और ये रंगीन जो चीज़ें आपको दिख रही हैं, कलाकृतियाँ, इनको दिखाने में आ गया हूँ। अभी हम जा रहे थे कुछ कवर करने, तो रास्ते में मुझे एक ये भाई साहब मिले जो इस तिरंगे की और इस अमृत महोत्सव की खूबसूरती को और भी चार चांद लगा रहे हैं। ये मिले तो इनसे कुछ बातें करने की कोशिश की हमने, तो आइए आप इनसे बात करते हैं कि इतनी खूबसूरत, मैं कैमरामैन से कहूँगा कि थोड़ा सा ये सारी चीज़ें दिखाएं जो इन्होंने अपने हाथों से बनाई हैं। बहुत खूबसूरत नज़ारा है और यहाँ की सारी जो भी पेंटिंग हुई है सिर्फ और सिर्फ इन्होंने बनाई है और इनके कुछ टीम वालों ने बनाई है। आइए इन्हीं से कुछ बातें करते हैं। क्या नाम हुआ भैया आपका? अब्दुल मन्नान खान। अच्छा जी, कब से काम कर रहे हैं पेंटिंग का आप? पेंटिंग का सर हमने सन 84 से कर रहे हैं। अच्छा, सन 84 से आप पेंटिंग करते हैं जी। तो क्या मतलब जब भी ये 15 अगस्त आते हैं तो ये सारी चीज़ें आप? जी, ये मुझे बड़ा लगाव रहता है। अच्छा, कि मैं 15 अगस्त और 26 जनवरी को पूरे हर्षोल्लास से मनाया जाए। सारी पेंटिंग्स बनाते होंगे, लेकिन जब 15 अगस्त और देश की आज़ादी वाला ये तीन कलरों में और सफ़ेद, हरा और इस तरीके की कलरिंग करते हैं तो कितना अच्छा महसूस होता है आपको? बहुत अंदर से बहुत बेहतरीन महसूस होता है और बहुत गौरवान्वित महसूस करते हैं हम लोग। अच्छा। हम चाहते हैं कि पूरे भारतवर्ष में इसको बहुत धूमधाम से मनाया जाए और बच्चा बच्चा, बूढ़ा जवान, हर शख्स इसको मनाए। और यही हमारी वो है कि ये तिरंगा जो है हमारी देश की शान है और इसको हम लोग कायम रखें हमेशा के लिए और पूरे दुनिया में इसका नाम रोशन रहे। एक यहाँ पर और कलाकार मौजूद हैं जो आगे पेंट कर रहे थे, इनसे भी हम बात करेंगे। और देखिए इनकी पूरी टीम है यहाँ पर। हाँ, भी है लोग। अच्छा। ग्रुप है, हम लोग 5-7 आदमी का ग्रुप रहता है। अच्छा। सारे लोग मिलजुल करके काम करते रहते हैं, सबका अपना अपना काम है, सब बिजी रहते हैं। बहुत खुशी से मन से ये सारा काम होता है। अच्छा, अंदर से बहुत खुशी महसूस होती है जी। ऐसा लगता है जब आप ये सब कलाकृतियाँ बनाते हैं, कहते हैं, तो बड़ा अच्छा महसूस होता है। बहुत अच्छा महसूस होता है, लोगों को अच्छा लगता है बनाने देखने में कि बहुत बढ़िया बना रहे हैं आप। इसलिए हम लोग बनाते रहते हैं अपने तरीके से। जो नया निर्माण, ये जो पेंटिंग हुई है जी, सब आप ही लोगों की टीम ने की है। बहुत खूबसूरत लग रहा है जी। जी, ये देखिए महात्मा गांधी की क्या शानदार तस्वीर बनाई है इन लोगों ने। ये मैं कहूँगा दिखाया जाए, कितनी शानदार महात्मा गांधी की ये तस्वीर है। इतनी खूबसूरत पेंटिंग, एक एक बारीकी देखिए आप। इस पेंटिंग की बारीकियों को देखेंगे तो आपको पता लगेगा कितनी मेहनत लगी होगी, कितनी लगन लगी होगी। आगे भी कुछ तस्वीरें हैं जो इन्होंने बनाया है। ये आप सारी आपके टीम ने मिलके बनाई है? जी, हम ही लोग बनाए हैं। अच्छा अच्छा, आपने कौन सी तस्वीर बनाई है? हम लोग ये बनाई है। ये सरदार वल्लभ भाई पटेल की तस्वीर है, ये मैं दिखाना चाहूँगा। वल्लभ भाई पटेल की तस्वीर, कितनी खूबसूरत तस्वीर बनी हुई है, कितनी बारीकियों के साथ हर एक कलर को, उनके सौंदर्यता को कितनी अच्छे तरीके से दिखाया गया है। स्वामी विवेकानंद की तस्वीर बनाई गई है, बाल गंगाधर तिलक की तस्वीर आप देख सकते हैं, कितनी खूबसूरत तस्वीर है। एक एक उनके तिलक से लेके उनके मूछों तक हर एक बारीकी को कितना बढ़िया तरीके से इन्होंने बनाया है। सुभाष चंद्र बोस नाम तो आप जानते ही होंगे। आज ये तस्वीरों को देखिए, कितनी खूबसूरत, अकल्पनीय है। मतलब ये चीज़ देख के मन को भा जाता है। ये चीज़ कितनी मेहनत लगती है इन सब चीज़ों को बनाने में। सलाम है इस जज्बे को, सलाम है। भगत सिंह, हमारे एक ऐसे स्वतंत्रता सेनानी, भगत सिंह का नाम ही आता है तो एक अलग से ही देशभक्ति जग जाती है। ये नाम ही काफ़ी है देशभक्ति के लिए। आगे देखते हैं चंद्रशेखर आज़ाद, इन्होंने अंग्रेज़ों की गोलियां नहीं खाई। जब अंग्रेज इनको मिले और इनको लगा कि अब अंग्रेज गोली मार देंगे तो इन्होंने वो गोली अपने को मारना, स्वयं गोली मारना ज़्यादा बेहतर समझा कि वो अंग्रेज़ों की गोलियों में मुझे ना लगे। चंद्रशेखर आज़ाद की ये तस्वीर जो है आपको दिख रही है, मूछों पे वो ताव, वो तेज दिख रहा होगा आपको। संविधान को लिखने वाले डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी की ये तस्वीर कितनी सराहनीय है। मतलब कितना बढ़िया ये तस्वीर को एक एक बारीकी उनके चश्मे को से लगाए, उनके कोट तक की हर एक छोटी से बड़ी बारीकियों को कितना बेहतर तरीके से दिखाया गया है। और
आखिरी में मैं देख पा रहा हूँ हमारी झांसी की रानी रानी लक्ष्मीबाई की तस्वीर यहाँ पर, कितनी खूबसूरत तरीके से उनके तलवार को दिखाया गया है, उनकी बालियों को, उनके उनके एक हर हर एक छोटी छोटी बारीकियों को कितनी खूबसूरती से इन इन कलाकारों ने दिखाया है। जितने लोग हम बनाते हैं आजकल के बच्चे क्या है कि पूरे महापुरुष को पहचानते तक नहीं है, ये कितना मैंने शर्म की बात है, इतनी बड़ी बात, बहुत बड़ी बात है, ये बहुत शर्म की बात है। अभी बस दो चार लोगों को, जैसे महात्मा गांधी जी हमारे हुए या वल्लभ भाई पटेल हुए, दो चार लोगों को सुभाष चंद्र बोस, ऐसे लोगों को चंद्रशेखर आज़ाद जी हुए, ऐसे लोगों को दो चार लोगों को जानते हैं, बाकी लोगों का कहीं नाम निशान नहीं। तो हम चाहते हैं कि हर जगह ये सब चीज़ें हों, हर बच्चे देखें बार बार कि आखिर ये कौन है, कौन इनका हमारे देश के लिए क्या योगदान, क्या योगदान दिया है, और इन्होंने जैसे जैसे मेहनत किया है वो भी हम सीखें, बच्चों को अंदर आना चाहिए कि उन्होंने क्या किया, उसके अंदर अपने अंदर लाना चाहिए उस चीज़ को, तो एक जज्बा पैदा होता है कि देश को आज़ाद कराने में इतना आसानी से देश आज़ाद नहीं हुआ, बहुत संघर्ष हुआ है, बहुत मेहनत हुआ है। तो ये जो हमारे महापुरुष हुए हैं इनके कम से कम बलिदानों को याद करें और उनकी पूरी हिस्ट्री जाने, हिस्ट्री नहीं जानेंगे तो क्या जानेंगे कि कौन आया कौन गया। ये आपसे बात करके मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। कल एक कुशीनगर में, हमारे सटे कुशीनगर में एक खबर आई जो एक महिला ने पाकिस्तान का झंडा अपने छत पर लगाया, तो ये कहाँ तक कि इस तरीके की भावना कहाँ से आ जाती है? मैं बता दूँ, होता क्या है कि अगर कोई इस तरह का, हमारी देश की जनसंख्या बहुत है, 140-135 करोड़ की आबादी है सर, एक महिला अगर किसी झंडा कोई लगा देता है तो उससे क्या मैसेज जाएगा? अरे वो तो समझ लो कि किसी तरह का भी पागल की श्रेणी में, पागल की श्रेणी में। ये बताइए आप गोरखपुर शहर में घूमते हैं कितने पागल नजर आते हैं? बिल्कुल सही बात, कहाँ नहीं पागल मिलते हैं। तो उन्हीं की श्रेणी में डाल दीजिए, बाकी उसके बारे में सोचना क्या जरूरत है, जो उठ मुठ में दिमाग खराब करने वाली बात है। अब हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन पाइए सबसे पहले हमारे ऐप से। हमारे ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड करने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाइए और हमारे ऐप को इंस्टॉल करिए, क्योंकि ये बिल्कुल फ्री है।